मैं पूनम शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मेरे इस वीडियो चैनल पर। तो फ्रेंड बहुत जल्द नवरात्रि आने वाली है और इस नवरात्रि सबको करना है डांडिया खेलना है गरबा करना है। देखिए मेरी कुछ दोस्त ऐसे हैं कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनको डांडिया या गरबा खेलना नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा पैरों का सिर्फ एक स्टेप रहेगा, यानी पैरों के एक स्टेप के साथ ही आपको डांडिया खेलने के गरबा करने के अलग अलग स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आप अलग अलग गरबे के स्टेप कर सकती है और आप भी इस नवरात्रि अच्छे से एंजॉय कर सकती है। तो आप अगर मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे अंत तक देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप अच्छे से डांडिया और गरबा खेल पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी ये मेरा राइट साइड है एंड ये मेरा लेफ्ट साइड है, जिससे आपको राइट लेफ्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस तरह हमने स्टेप्स किए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि आज के मेरे डांस स्टेप में पैरों का एक ही मूवमेंट रहेगा, यानी एक ही स्टेप सीखेंगे पैरों का और उससे हाथों के अलग अलग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, राइट लेफ्ट को उस तरह क्रॉस करना है लेफ्ट के और वापस अपनी जगह पे आना है। फिर देखिए राइट को उठाया रखा, रखते हुए पूरी बॉडी का वेट हमारे राइट लेग पर है और लेफ्ट की एड़ी ऊपर उठ गई है, हम वापस अपनी जगह पे आएंगे। फिर हमें जाना है हमारे लेफ्ट साइड में इस तरह, ये देखिएगा अब मैं लेफ्ट आ गई हूँ मेरे पैर की एड़ी उठ गई है, फिर हम वापस आएंगे। फिर देखिएगा वन बैक टू बैक इस तरह से फ्रेंड्स, फिर देख लीजिए आराम से अपने राइट लेग को उठा के इस तरह रखिए, वापस अपनी जगह पर लाएंगे, लेफ्ट को उठा के रखिए और वापस अपनी जगह पर लाइए, राइट बैक लेफ्ट बैक। तो फ्रेंड्स ये हमारे पैरों का स्टेप, तो हम सीखते हैं हमारे हाथों के स्टेप्स। तो आज का हमारा पहला स्टेप है, हमें यह करना है हमारे राइट लेग को क्रॉस करना है और क्लैप करना है ऐसे क्लैप। अच्छा गरबे में जो ताली बजती है वो ऐसे ऐसे नहीं होती, ये ऐसे ऐसे नहीं होती, कुछ भी थोड़ा घुमा के जाती है, हल्का सा हाथों को घुमाएगी और फिर बजाएगी ऐसे, डायरेक्ट ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, नहीं घुमा के एक बैक आइए, दो बैक आइए, फिर देखिएगा रंती कमर पे हाथ, दो कमर पे हाथ, तीन कमर पे हाथ, चार कमर पे हाथ, फिर देखिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यानी मैंने अपना स्टेप किया है हाथों को घुमाते हुए गोल घुमा के क्लैप बैक क्लैप एंड बैक, हमें कुछ नहीं करना है क्लैप करना है, कमर पे हाथ रखना है, अगेन फिर क्लैप करना है और कमर पे हाथ रखना है। तो फ्रेंड्स है ना आसान, कितना सरल। तो ये है हमारा पहला स्टेप, अब हम सीखते हैं हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप हमें करना है क्लैप तो करना है, लेकिन क्लैप के साथ इधर क्लैप नहीं करना, चेंज करना है, कमर पे हाथ ही रखना, देखिए क्लैप एंड अप इस तरह ऐसे करेंगे, फिर करेंगे क्लैप एंड बैक, फिर देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, यानी क्लैप चुटकी बजाएंगे, ताली चुटकी, जब राइट पे ताली, जब हम राइट हैंड से लेफ्ट में ताली बजाएंगे इस तरह तो हमारा राइट हैंड ऊपर होगा, और जब हम लेफ्ट हैंड से राइट में ताली बजाएंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। तो फिर देखिए एक बार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इस तरीके से। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह ये स्टेप किया है, अब सीखते हैं हमारा इसी में अगला थर्ड स्टेप। अब क्या करना है, हमको पैर तो उधर रखना है लेकिन हमको हमारे क्लैप तो करना है, लेकिन इस बार हमको चुटकी नहीं बजानी है, हमें अपने कंधे पे हाथ रखना है, कंधे पे इस तरह, ये देखिएगा तो हम सीखे, ये देखिएगा हमने पैर रखा क्लैप बैक बैक क्लैप बैक क्लैप बैक, देखा आपने, तो जल्दी से करके देखें एक बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री
होम इस तरह से। तो फ्रेंड अब इसी में हमारा अगला स्टेप है, तो थोड़ा चेंजेस है। अभी जो हम साइड में और साइड में कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे इसी चीज को सामने करेंगे और पैर को पीछे मोड़ देंगे ऐसे, यानी सामने और पैर को पीछे मोड़ देंगे ऐसे। हमारा स्टेप वही है, अभी हम फ्रंट से कर रहे थे, यानी फ्रंट से साइड जा रहे थे, वापस आ रहे थे, फिर साइड जा रहे थे, वापस आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट से बैक जाएंगे। यानी देखिए ये मेरा फ्रंट है, तो मैंने किया वन, मैं गई टू, मैं वापस आई थ्री, मैं गई फोर, ये देखिए। फिर देखिएगा वन टू थ्री फोर, अगेन वन टू थ्री फोर, इस तरह। अब फ्रंट इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बैक फेस है। हम क्लैप को भी स्टेप करेंगे, तो क्लैप के बाद हमारा स्टेप बैक की तरफ होगा, पीछे की तरफ। तो देखिए, अच्छा इसमें क्या, हमें ताली झुक के बजानी है। हम करेंगे झुक के एक, ठीक है। अब मैं बैक घूमूंगी अपने इस पैर से, राइट पैर से इधर, दो, यही। फिर मैं करूंगी तीन, अब मैं इधर घूमूंगी चार, वापस आऊंगी क्लैप बैक, we'll be right back.
लीजिए कि मैं पैरों का एक ही तरह से स्टेप सिखाऊं और उसमें हाथों के अलग अलग आपको स्टेप्स कराऊं, जिससे आपको सीखने में आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइल एंड कीप डांसिंग।